मटन पीस तो सुपर सा दिख रहा है और राइस का कलर भी सुपर, बहुत सॉफ्ट सा है पीसेस को। नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं मटन हैदराबादी बिरयानी। इसके लिए मैंने एक आधा केजी मटन लिया है और थोड़ा फैट भी डाला है, फैट डालने से टेस्ट अच्छा आता है। पहले ये मसाला बना लेती हूँ। इसके लिए 14 ग्रीन चिली को मिक्सी में डाल देती हूँ और एक आधा मुट्ठी इतना हरी धनिया और इतना सा पुदीना। एक ग्राइंड होने के लिए इस बिरयानी के लिए तो एक कप दही लगेगा, ग्राइंड होने के लिए मैं थोड़ा इधर डाल लेती हूँ, एक आधा कप है। ओपन कर लेती हूँ, अच्छे से पेस्ट हो गया। देखिए अभी इसको, ये मटन आधा केजी लिया था ना, डाल लेती हूँ। अभी इसी में एक स्पून नमक, दो स्पून हरी धनिया, आधा स्पून रेड चिल्ली पाउडर कलर के लिए, पाव स्पून हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, ये सब इसमें मटन में डाल लेती हूँ। ये बचा हुआ कर्ड भी डाल लेती हूँ। अभी ये फ्राइड ऑनियन एक मुट्ठी जितना इसमें डाल लेती हूँ। इसमें दो तेज़पत्ता, एक स्टार, थोड़ा दालचीनी, चार लवंग, दो ऐलक्की, थोड़ा कसूरी मेथी, पत्थर का फूल कहते हैं ना वो, थोड़ा ये बड़ी इलायची, अजवाइन थोड़ा, सौंफ वो भी थोड़ा, ये रेड पेपर, ये ब्लैक पेपर है ना वो डाल लेती हूँ। ये बचा हुआ पानी में डालती हूँ, चावल का पानी में ये थोड़ा बचा कर रखी हूँ। इसमें 60 ml का कप है ना, उसमें एक कप ये ऑनियन फ्राई किया हुआ ऑयल डालकर इसे अच्छे से एक मिक्स करती हूँ हाथ से। आपके पास टाइम है तो ऐसा मिक्स करकर एक 2 hours मिनट के लिए रख दीजिए, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत लेट हो गया है, इसलिए अभी मैं कुकर में डाल लेती हूँ सब मिक्सर को। इसमें पानी मत डालिए, ऐसे ही कुकर में डालकर इस कुकर लेट को क्लोज कर लेती हूँ। एक 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अभी इसमें भी डाल देती हूँ। ये होने 3 मिनट होने के बाद देखते हैं। मैं इस स्टोव में चेंज कर लिया है। अभी ये कुकर होने तक इधर चावल के लिए मैंने पानी रख दिया है, एक 7 से 8 ग्लास पानी रखी हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही पानी रखना है। अभी इसमें मैं इतना स्वाद थोड़ा नमकीन रहना है पानी, ऐसे दो बार डालती हूँ, आधा केजी चावल के लिए। और बासमती राइस मैंने धोकर आधा घंटा मैरिनेट कर लिया है इधर। और ये बचा कर रखी थी ना तेज पत्ता, ये काली मिर्च, ये सौंफ, अजवाइन, ये सब इसमें डाल देती हूँ। अभी ये अच्छे से उबल आना है, बाद में चावल आते हैं। अभी देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है। 2 ग्रीन चिल्ली को स्टिक करके मैं डाल रही हूँ, उसके साथ ही चावल का पानी निकाल कर इसमें डाल देती हूँ। इसे 80% कुक करना है, ऐसा कुक होना है। अभी ये प्रेस हो रहा है, इस टाइम में स्टोव ऑफ करके ये पानी ड्रेन कर ले। कुकर ठंडा हो गया, ओपन करती हूँ। वाओ, ये अच्छे से पक गया है, कितना अच्छा। मैंने पानी ही नहीं डाला, इसी ग्रेवी दही में ही ग्रेवी आया है। अभी इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी।
जो चावल निकाल कर रखी थी ना, ये नीचे आधा चावल डाल लेती हूँ। इसको ऐसे फैला देना है, आधा चावल डालकर अच्छे से फैला देना है। इसके ऊपर ये मटन है ना, इसको ऐसे डालना है। ये ग्रेवी को भी ऐसे डालना है, आधा मटन इधर डाल लेती हूँ। इसके ऊपर ये प्याज फ्राई किया हुआ प्याज, ऐसा डाल देती हूँ। हरी धनिया थोड़ा, पुदीना, दालचीनी, लवंग और ऐलायची को कूट कर पाउडर कर कर रखी थी वो थोड़ा ऐसे स्प्रेड करती हूँ, बहुत ज़्यादा मत पीजिए थोड़ा। और ये बिरयानी कलर है ना, वो थोड़ा पानी में मिक्स कर कर रखी थी वो थोड़ा डाल लेती हूँ। और नींबू का रस ये हाथ से ऐसे स्प्रिंकल कीजिए, तभी अच्छे से सभी जगह लगेगा। ये एक नींबू का रस निकाल कर रखी थी। अभी इस टाइम में इसके ऊपर एक स्पून या आधा स्पून जितना घी, घी डालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है। अभी ये बचा हुआ चावल है ना, ये इसके ऊपर ऐसे डाल देती हूँ। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। स्प्रेड हो गया, ये बचा हुआ मटन है ना ये डाल देती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत टेस्टी रहता है। ये मेरा स्टाइल है, एक बार आप जरूर घर पर बनाइए। ये ग्रेवी सब इसके ऊपर अच्छे से डाल दीजिए। इसे अच्छे से सभी जगह लगने जैसे फैला दीजिए। वही सेम प्रोसीजर, ऑनियन आधा के लिए, केजी चिकन मटन के लिए मैंने 200 ग्राम्स ऑनियन को फ्राई किया है। अभी हरी धनिया, ये पुदीना, ये नींबू का रस और कलर, ये दालचीनी, लवंग, ऐलायची का कुटा हुआ पाउडर और एक स्पून जितना, अभी आधा स्पून है ना ये मेरा छोटा, इसमें और एक ठीक है, टोटली एक स्पून घी डाल लिया है। ये चावल गर्म पानी में निकाल कर कितना, ये एक ऐसे डाल देती हूँ। इसे अभी स्टोव करके क्लोज करके ये लो हीट में एक 10 मिनट ऐसे ही रख दीजिए। विसल आने को मत करिए, 10 मिनट ऐसे ही रखिए, ये पक जाएगा। ये मैंने 10 मिनट्स लो फ्लेम में रखकर ठंडा होने के लिए 10 मिनट छोड़कर अभी ये ओपन कर रही हूँ। वाव, कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए। वाव, अभी इसको मैं प्लेटिंग करती हूँ। वाव, मटन पीस तो सुपर सा दिख रहा है और राइस का कलर भी सुपर, बहुत सॉफ्ट सा है पीसेस को।
देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये आप भी घर पर बनाइए और कैसा बना कहकर मुझे कमेंट पर ज़रूर कहिए। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है। थैंक यू।